हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और ये है मेरा फर्स्ट अनबॉक्सिंग वीडियो, जो कि मेरा पुराना कीबोर्ड और माउस खराब हो गया था, सो मैंने नया मंगाया एंड्रॉइड स्पोर्ट्स का, तो इसको अनबॉक्स करते हैं और फिर इसके बारे में मैं रिव्यू दूंगा थोड़ा सा, और बाकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो वीडियो पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, सबसे पहले चैनल को, और जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दो। एक रेड गियर का मैंने माउस पैड भी मंगाया था, ये रेड गियर का माउस पैड, ये मेरे को सिर्फ पड़ा है 149 में ऑफर में। और कीबोर्ड माउस भी काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, ये कीबोर्ड तगड़ा ऑफर चल रही है फिलहाल अमेजोन पे। एंड ई स्पोर्ट्स का ये कीबोर्ड और माउस है, ये सेम वाइट कलर में है, दोनों कॉम्बो है। फिलहाल के लिए मेरा ये खराब हो गया था, जो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने थोड़े टाइम यूज करने के लिए मैंने फिलहाल ये मंगाया, बाद में मैं और चेंज करूँगा और प्रॉपर वाला सेट लूँगा। बहुत ही मस्त क्वालिटी है इसका, एकदम खतरनाक दिख रहा है। इसको कनेक्ट करते और बटन भी इसका अच्छा ही है, क्वालिटी एकदम खतरनाक लग रहा है। USB है, पहले के कीबोर्ड में मैंने जैक रखा था वाला। और ये है माउस 3600 DPI इसका। अभी मैं इतना कोई FPS प्लेयर हूँ नहीं कि मेरे को एकदम हाई DPI की फिलहाल ज़रूरत है, और थोड़े टाइम के लिए यूज़ करने के लिए मेरे को ये चीज़ें चाहिए थी। तो अभी जब नया लेने का मन करेगा तो फिर से नया ले लूँगा, फिलहाल के लिए मैं इसको यही कीबोर्ड माउस यूज़ करने वाला हूँ। केसु माउस पैड, चलो पहला वाला ज़्यादा छोटा था, ये ठीक ठाक है। इतना बड़ा माउस पैड मेरे लिए काफ़ी है, मैं कोई वैलो प्लेयर कोई CS:GO प्लेयर हूँ नहीं, तो इतना माउस पैड मेरे लिए काफ़ी है। क्वालिटी भी बहुत खतरनाक है इसका, 149 में और क्या चाहिए भाई। और ये जो कीबोर्ड माउस का कॉम्बो है, ये फिलहाल आपको इसके ओरिजिनल प्राइस समथिंग कुछ 2000+ या फिर 2000+ ही है, बट अभी अमेजोन का ऑफर चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। 799 रुपीज़ में मेरे को ये दो चीज़ मिल गई है, बजट के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही सस्ता मिल गया। चलो लेट्स गो, अभी इसको कनेक्ट करते हैं। KSOBI कीबोर्ड और माउस कनेक्ट हो गया है, काफ़ी ये मस्त लुक लग रहा है। इधर ग्रीन है, इधर बीच में रेड, इधर पर्पल, देन ब्लू, एंड ये भी देखो चेंज हो रहा है, ब्लू पिंक रेड पर्पल, मस्त दिख रहा है वो। और मैंने ये कीबोर्ड भी मेरा गेमर टैग का था, जब मैंने PC बिल्ड किया था तब मेरे को ये गिफ्ट दिया था उन लोगों ने, तो इसका भी W और GTA वगैरह ज़्यादा खेल खेल के इसका WD ख़राब हो गया, दब गया डायरेक्ट, और ये मैकेनिकल नहीं है तो ये चेंज नहीं हो सकते। और हालांकि ये भी मैकेनिकल नहीं है, बट मैं आगे जाके लूँगा। और बात करें माउस की, तो माउस का भी लेफ्ट क्लिक जो है मतलब चल रहा है अभी, इसको अगर कुछ हो गया इसको तो बैकअप के लिए फिलहाल इसको यूज़ कर सकते हैं, तो माउस है ठीक ठाक, बट फिर भी इसका लेफ्ट क्लिक का इशू हो रहा था, तो मैंने सीधे कॉम्बो किट ही खरीद लिया। प्रोडक्ट तो भाई काफ़ी ज़्यादा एकदम सस्ता भी है, अच्छा भी है, जिसको थोड़े टाइम के यूज़ करने के लिए चाहिए तो मैं ये रिकमेंड करूँगा, और बहुत ही काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। माउस भी एकदम प्रॉपर वर्क कर रहा है, कीबोर्ड का भी कुछ टेंशन नहीं है अभी, बस विषय कुछ नहीं है, बस ये वीडियो में अपन इतना ही। और माउस पैड भी देखो, तो ये देखो अभी काफ़ी अभी अच्छा है, ज़रा स्पेस मिल गया और माउस के लिए, और कीबोर्ड भी सही है, और अभी सेटअप भी ज़रा अच्छा लग रहा है वो। सो होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया रहेगा, अगर वीडियो पसंद आया तो फटाफट से लाइक करो, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।